बड़ी खबर जबलपुर से, जहां मंडल अध्यक्ष चुनावों को लेकर बीजेपी में तकरार की खबर मिल रही है। बीजेपी कार्यकर्ता सामूहिक इस्तीफा देने पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के बंगले पर पहुंचे हुए बीजेपी कार्यकर्ता, पन्ना की पवई विधानसभा के हैं सभी कार्यकर्ता। दूसरे दलों से आए लोगों को मंडल अध्यक्ष बनाने से नाराज बताए जा रहे हैं। बीजेपी संगठन पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। बुजुर्गों को संगठन की कमान सौंपने का आरोप लगाया गया है इन कार्यकर्ताओं द्वारा। बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह से फिलहाल इनकी चर्चा चल रही है, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज स्टेट संवाददाता दुर्गेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दुर्गेश, बताया जा रहा है कि बुजुर्गों को कमान दी गई है, इसको लेकर नाराजगी है, क्या बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पवई विधानसभा क्षेत्र के जब बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आज राकेश सिंह जी से मिलने पहुंचे, तो एक तरीके की उनके अंदर नाराजगी थी। नाराजगी इस वजह की थी कि पवई विधानसभा क्षेत्र में जो पार्टी के चुनाव हुए हैं, उस चुनावों में जो कांग्रेस से या दूसरे दल से नेता जो बीजेपी में शामिल हुए हैं पिछले एक से दो साल के बीच में, उन कार्यकर्ताओं को ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी और उन्हें मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और बाकी पदों पर उन्हें चयनित किया जा रहा था। लेकिन जमीनी कार्यकर्ता हैं या जो पहले कई दशकों से बीजेपी के लिए काम करते आ रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही थी। ऐसे तमाम आरोप थे जो पवई विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता आज लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पास पहुंचे थे, और जब वो पहुंचे थे तब उनका पूरा मन था कि हम यहाँ इस्तीफा देने आए हैं और हम पार्टी से बाहर जाएंगे। लेकिन जब वो मुलाकात हुई, राकेश सिंह जी ने उनको तमाम तरह के आश्वासन दिए, उनकी बातें पर गौर किया, चर्चा की, उसके बाद जब चर्चा के बाद जब वो बाहर निकले तो कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नजर आ रहे थे। और ये बात उन्होंने कही कि हम जरूर नाराज थे या हमने नाराज किए, लेकिन अब हमें आश्वासन मिल गया है, हमने जो अपनी मांगे थी, अपनी जो बातें थी, वो हमने राकेश सिंह तक पहुंचाई है और उन पर विचार कहीं ना कहीं राकेश सिंह करेंगे। राकेश सिंह जी उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि क्या बात है कि मंडल के चुनाव हो रहे हैं, पार्टी के चुनाव हो रहे हैं, तो हर क्षेत्र पूरे न केवल पवई में बल्कि पूरे मध्यप्रदेश में कहीं ना कहीं कुछ कार्यकर्ताओं में आक्रोश या नाराजगी दिखाई दे रही। तो उसका ये कहना था कि बड़ा संगठन है और बड़े संगठन में कार्यकर्ताओं में नाराजगी होती ही है, क्योंकि हमारे पास जो सक्षम कार्यकर्ता है और ऐसे में हम उनकी नाराजगी को दूर करेंगे और पार्टी में। चलिए, आश्वासन मिल गया है, कार्यकर्ताओं की नाराजगी खत्म हो गई। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए दुर्गेश और अपडेट देने के लिए। नाराजगी नहीं है, जब भी संगठनात्मक चुनाव होते हैं हमेशा इसको हाइट पर ले जाने की कोशिश होती है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अनुशासन का पालन करता है, इसलिए कहीं कोई नाराजगी नहीं है।